एमेबाइसिस कोलाइटिस अमीबा रुग्णता, इसका घरेलू इलाज क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या है, जानिए इस वीडियो में। आंतों में अधिकतम परजीवी संक्रमण पाया जाता है जो एंटामोएबा हास्टोलिटिया के कारण होता है। इसे आम भाषा में अमीबा रुग्णता कहा जाता है। यह उन जगहों पर ज़्यादा होती है जहाँ ठीक से साफ सफाई ना हो या भरपूर भोजन और पानी ना मिलता हो। संक्रमण की जगहों पर अमीबा रुग्णता होने का अधिक खतरा होता है। यह बीमारी परजीवियों की वजह से होती है, इसलिए साफ और स्वच्छ रहने का सुझाव दिया जाता है जिससे आपको अमीबा रुग्णता का खतरा ना हो। अमीबा रुग्णता के कारण, एक बार अगर आप कीटाणुओं के संपर्क में आ गए तो आपको अमीबा रुग्णता होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एक तरीके का संक्रमण है जो खाने और पानी की गंदगी से फैलता है। यह अविकसित जगहों पर ज़्यादा फैलता है। अमीबा रुग्णता आसपास के दूषित पर्यावरण के कारण भी हो सकता है। जो खराब पानी या खराब भोजन का सेवन आप कर रहे हैं वह इसका कारण बन सकता है। कई फैक्ट्रियों में जहां मजदूर अस्वच्छ जगहों में काम करते हैं वहां इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो आपको इसके होने का खतरा अधिक हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली उन लोगों की कमजोर होती है जो किसी बीमारी का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इसका अधिक खतरा होता है। इसके कुछ अन्य कारण भी हैं जिसमें अस्वच्छ पर्यावरण, आसपास फैली गंदगी, भोजन में कीटाणुओं का होना, भोजन का दूषित होना, आंतों पर परजीवियों का आक्रमण। अमीबा रुग्णता एमेबाइसिस के लक्षण। अमीबा रुग्णता का शिकार होने के लिए किसी उम्र का होना जरूरी नहीं है, किंतु शोध के अनुसार कई बच्चे जो किशोर अवस्था में हैं या छोटे हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं। विकसित प्रदेशों से ज़्यादा कम विकसित देशों में यह बीमारी पाई जाती है। चूंकि अविकसित देशों में स्वच्छता कम होती है तो यह बीमारी वहाँ ज़्यादा फैलती है। इसके लक्षण हैं रक्त मल, ब्लड स्टूल्स। अगर आपको मल में रक्त निकलता हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह बीमारी आपको हो चुकी है। दिन में 10 बार से अधिक रक्त मल होने का मतलब यह है कि आपको एमेबाइसिस हो चुकी है। उल्टियाँ, वॉमिटिंग। अगर आंत और पेट में आपको संक्रमण है तो यह समझ जाना चाहिए कि आपको यह समस्या है। अगर आपको अधिक उल्टियाँ हो रही हैं तो यह इस बीमारी का लक्षण है। डायरिया। एमेबाइसिस होने का एक लक्षण डायरिया भी हो सकता है। एमेबाइसिस के लक्षण में पेट दर्द, जी मचलाना, पेट फूलना, दस्त, बुखार, वजन का एकदम घटना, पेट में मरोड़े आना, भूख न लगना, थकान लगना, ये सब इसके गंभीर लक्षण हैं। अमीबा रुग्णता के घरेलू नुस्खे, होम ट्रीटमेंट्स फॉर एमेबाइसिस कोलाइटिस। डॉक्टर अमीबा रुग्णता की जांच के लिए खून या मल का टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अगर सफ़ेद कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है तो ESR की मात्रा भी बढ़ जाती है।
इससे शरीर गर्म होने लगता है। अमीबा रुग्णता के होने के आसार ऐसे में बढ़ जाते हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। पहला है सुरजना की फली। 450 ग्राम सुरजना की फली लें और इसका रस निकाल लें। इसमें कुछ बूंद सेसम के तेल की डालें और गर्म होने रख दें। इसे 2 से 3 हफ्ते तक पिएं। दूसरा है बेल। बेल में कई एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। क्योंकि इसमें प्राकृतिक एसिड होता है, यह शरीर के कीटाणुओं को खत्म करने में उपयोगी है। अमीबा रुग्णता के उपचार के लिए यह एकदम सही घरेलू नुस्खा है। तीसरा है जाम। जाम कई तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। अमीबा रुग्णता को ठीक करने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। इसके कुछ बीज लें और उन्हें पीस लें या दिन में 2 या 3 बार लें। चौथा है ब्लैक टी। बिना शक्कर की ब्लैक टी में कई एंटी टॉक्सिक और एंटी पैरासिटिक तत्व होते हैं। यह पेट संबंधी समस्याओं का इलाज करते हैं, अगर रोज इसका सेवन किया जाए तो। पांचवा है मारगोसा की पत्तियां। आपको हल्दी और सूखी मारगोसा की पत्तियां लेना है और इसमें सरसों का तेल मिलाना है। इसे अपने शरीर पर मल लें और 1 घंटे तक रहने दें। इसके बाद हल्के गर्म पानी से नहा लें। इसके एंटीबायोटिक गुण आपको बीमारी से बचाएंगे। छठवां है अखरोट। अखरोट की पत्तियों में एंटी टॉक्सिक तत्व होते हैं। इसकी पत्तियों को धोने के बाद इसका रस निचोड़ लें और इसे संक्रमित जगह पर लगाएं। ऐसा करना काफ़ी लाभदायक होगा। सोने के पहले इसे दिन में 1 बार जरूर अपनाएं। तो ये थे एमीबाइसिस कोलाइटिस के कुछ घरेलू इलाज, इसके लक्षण और कारण। इन घरेलू उपचार की मदद से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपना कमेंट बॉक्स में करें। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले।